अस्सलाम वालेकुम गुलेचारों का शुमाचार है स्टोरी लाइन 360 माशू में होस्ट मोमल जैनब गिचिन कारिया दानली और आसरानी बदल कर गए लाफत चार जमाती इत्तेहाद इज्तिमाई जो एहतिजाज दी में मरहले सर कर गए जारिश जता 21 फरवरी क्वेटे मजने एहतिजाजी मुजाहरा बीत और 22 फरवरी सोबा पशीना मजने जलसा आम बरजमदारक भी मरकजी सरोग गोश्तांग हम दिया इलेक्शन दानली इलाफा 25 फरवरी सोबा मस्तूंगा मजने मुच्छी कनक भी और मस्तूंगे मुच्छी हम चार सियासी गलानी सरोक गप जना और गोश्तांग दिया थी जबकि मचारे के 28 फरवरी शेड्यूल कनक होता कि हज़ारा डेमोक्रेटिक के हज़ारा टाउन क्वेटिया मजने मुच्छी इतिहाद गुआ और बरजमदारी पश्तून में पश्तूनख्वा मैप BNP नेशनल पार्टी और HDP जहर शानी हमी बड़ा दीमा पर जार जनक बुतक और क्वेटे जहर शानी बर्जा दारक भी और बलोचिस्तान असम्बली आज़ाद उम्मीदवार नहीं अगर मगप्पा बेकनी गोड़ा नून लीग को मामला तय बुतगा बुनशू ने रेदा दो आज़ाद बास्क वली नूर नूरजई और खालिक अचकजई नून लीगा हवार बुआ गया शना फैसला को था वली नूरजई और खालिक अचकजई मरूची नून लीगा शमूलियत जारजा तक जबकि आज़ाद रुकन असम्बली बख्त मोहम्मद काकड़ पीपल्स पार्टी हवार बुआ के फैसला को था आज़ाद बास्क असफंद यार काकड़ और लियाकत लहरी गुस्तगी रुचा पीपल्स पार्टी आवार बुतगा और शन जार हम जता बाकायदा तौर पर और आज़ाद रुकन मौलवी नूरुल्ला शमूलियत अबिद पीपल्स पार्टी पल्ला मर्जी करने गए और आइए गुमा हमको पग बुगे जार जतगे इसे हिमायत करने गए आइए जार जतक चरिश्य पद नून लीग और पीपल्स पार्टी असम्बली बास्का निकच सींजदा तक सरबुतगा मगेंदी की पीपल्स पार्टी राशन जरूर बुलाए दिया हम तस्दीक को तक और रैया होती ट्विटर रहा जैसे ट्वीट को था कि पीपल्स पार्टी ए आज़ाद उम्मीदवार हवार बुतक और पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली सरकार जोड़ का पीपल्स पार्टी सरकार जोड़ का या मुस्लिम लीग नून जोड़ का ही वरंदे अबरे लेकिन मगेंदी के बलूचिस्तान ने जो कौम परस्त पार्टियाँ के BNP मैंगल बीबी BNP बीबी या नेशनल पार्टी बीबी हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी बीबी ऐशा दगानी सरियाँ और ऐशा वती एक तहरीक ही चलाई नहीं गया कि इलेक्शन कमीशन ने निमगा चा बाज मजनी कच्ची नानली का नगूता आसिर तब्दील का नगूतगा ईशे पदमा गेंदी के हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी निमगा ची एक मरकजी बयान ही हम जारी का नगूता और बयान अगोशक बुता कि जो धानली का नगूता ईशे सरा इलेक्शन कमीशन जैसे मुस्ताफ़ी बीबी थे और शनिवती एक मुतालबा भी एक लड़ी अस्ते और पिंडी कमिश्नर निमगची जो बयान दे मात का जो एक आइए एतराफी बयान बुता आइए पद जो माँ मोहर मुहिम चलाएं गए आइए तस्दीक बुता और इसी में मुहिम में तहरीक सही और रास्त बुआगे सरा जैसे मोहर लगे था इसी अभी माँ गेंदे के डेमोक्रेटिक पार्टी निमगची ये भी घोषक बुता के माँ जो एक तहरीक चलाएं गए सोमंदी गो माँ दरबंदी हड़ताल को तगे इसी के अलावा के माँ मजंदक बंद को तगे इसी सरा जो मर्दुमानी रद्दे मर्दुम का ये तहरीका ज्वाइन कर गया एक क्लियर कट एक रिफ्रेंडम ही के जो आसिर अतकगा इलेक्शन कमीशन ने निमगा ची ई मर्दुमाना मुस्तरद को तगा रद को तगा इशना एक्सेप्ट न कर गया अनुमगिंदी के ये जो चार इत्तेहादी जमाता ने जो तहरीकी दूमी मरहले दाखिल बुता और बलूचिस्तान मुख्तलिफ हिस्से आना जो सी तहरीक चलाइनक भी दीमा बरक भी और अहदा गुश्तांग हम देख भी थी इसी तरह में जैसी कोशिश को थी दुराही जो जमात इतिहाद गलानी शनि मरकजी राशुनानी गुमा गपुतरान बिकनी और आया नी मौकफ़ बुजूरे गुलशारों का मत प्रोग्राम में बिंदात करी कबीर शही सावे गुना जो कि नेशनल पार्टी राशू ने आई गुमा गपुतरान के नई वशत कर प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वाजमा गिंदी के तहरीक देमतेरे मरहले दाखिल बुता तनी गत शुमा चिच्चो सोबमंद गिंद गई तहरीक के चार जमाती तहरीक जो शुमा बिंदात को ते गई बेचार बीबी मैं एक गप रहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा हर वक्त इलेक्शन बूथ है इलेक्शन इस्तहा गड़बड़ जरूर होता है ये अवली वारी ने जी लेकिन आखिरी गड़बड़ माज मजनी गड़बड़ थे 2018 जी मैं निश पार्टी ये मैं ख्याल हमेशा कि शायद 2018 पाकिस्तान तारीख मजने गड़बड़ और किस्त फ्रॉड इलेक्शन ही हमें खतरा माँ वक्त PDM में जोड़ कराए तो ना वक्त हमारे याद भी कि आखिर की जिन जो किस्त तजवीजदार PDM जोड़ बू PDM में मकसद सिर्फ बुनियादी हमेशा कि हमारा इलेक्शन आके साफ और शफाफ कनक दिए जी अच्छा आज साफ और शफाफ है रंदा की 2024 इलेक्शन ये मन समझी कि पाकिस्तान एक सौ साल जिंदा छो नहीं गड़बड़ इलेक्शन बिल्कुल न बूता
और ये तो अंचुन इलेक्शन बूथ तक इन्होंने बेचारे मैं तकरीबन चार सूबाई या कौमी सीट की माकत से सकूँ, मैं एक एस वहाँ 45 में गुमा मौजूद हूँ और मैं क्वेटा एक एस टी बी 4 है अस्त हज़ार मैं एक एस निष्पाटी है कैंडिडेट है वोटा और 480 वोटर के समाइए के छे बूता नोटिफिकेशन बूता तो जाहिर ही इक्का दरें और ये सिर्फ क्वेटा है या बलूचिस्तान गप्पा हूँ रंदा के अगर तो पाकिस्तान आ गिंदे मन ख्याल पाकिस्तान टोटल पाकिस्तान हमा पार्टी कटे सगन और हमा पार्टी के हारदा सगन आकुल के एहतजाज है सरा रोडा नहीं सरा एहतजाज इन धरना इन सेनेटर जिया सेनेट शुरू इन सेनेटर तो बेचारे अजा पदा कमिश्नर के पिंडी आलावाल सुबह जेमा है नून तकरीबन पूरा दुनिया एशिया बिल्कुल एडमिट हो के पाकिस्तान इतिहाद चोने जो फेक इलेक्शन सारी की नहीं गुड़वाचे शमा छे समझे छे बेग्लूटी री इलेक्शन बुआ ग्लूटा या दोबारा से काउंटिंग बुआ ग्लूटी मेरी माँ में समझी माँ में समझी या मैं पार्टी है ख्याल है कि हमें फॉर्म 45 के हमारा ओरिजिनल असन जी हर पार्टी है वर्कर आंगुमा हमारा की पोलिंग एजेंट पूछेगा तो आज फॉर्म 45 मौजूद है पते नून के से 5 4 45 हम दोबारा जोड़ करते हैं सही मानी है जिलसाजी है सरा ना माँ आज जिलसाजी है 45 है ना कुछ अगर हमारा 45 के हर पार्टी है गोमा आते मदर नेशन पार्टी ये गोमा हम 45 फर्स्ट हैं बीएनपी ये गोमा हम 45 फर्स्ट हैं या पश्तू फाइव मतलब हमें पार्टी को लेते जा जैसा रहा हम तमाम 45 वन जमा करते और बाकायदा कमीशन है जोड़ भी और एक कमीशन ईमानदारी है सरा तमाम 45 का गिनती कमीशन के जोड़ का कबीर सर कमीशन जोड़ कनो की अगर दांदली आवारा गुड़ा शमचू आयन छी तवक्का कने के दोबारा से फॉर्म 45 वानी गुना और फॉर्म 47 जारी कनक बेबा ये बरस सही कनंते बिचार माँ कैसे कि हमें के असिस्टेंट कमिश्नर जान की दाता सावक्का माँ में कुछ तो ना कि अदलिया कम से कम पेश आके समय जज साहिबान के सारो बूते गंती कम में करप्शन बूता कम में एक गड़बड़ बूता पैसा जूरक बूता लेकिन एक कदर न बूता माँ में समझी कि अदलिया वाला कैसे कमीशन जोड़ दू और बिल्कुल ये ईमानदारी है सरा अगर ये डिसीजन बुबूतन कैसा अकदार अकदार रसित न पूरा शायद ये मुल्कों चल ली ये पार्टियां कसे मतलब कबूदियत साइड रवन थी नू शुमा अभी भी वत बेचारे कि अफगानिस्तान निमरोज है शहरी आ कहे तो डॉक्टर मालिक आ कह फुर्बत ताकत थी हालांकि आप बुनियादी शहरियत आशिया निमरोज है अफगानिस्तान है और आइए बच के क्वेटा पीवी फोरा कट्टी और निमरोज वाजे के जामास हजारा को में सीट का कट्टी ये इलेक्शन ही मैं हैरान हूँ कि ये अगर चलो 2 अरब रुपए जोर सकन थे निमरोज वाजा आज ना एक सीट है वास्ता अच्छा नून मकसद ये है कि नून पाकिस्तान टोटल अंचो पख्तूनख्वा के सफान शहरी अंके इधर सकन थे असेंबली सीटा नूर अफगानिस्तान शहरी पाकिस्तान कौमी असम्बली अनिंदी और कानून साजी कन पाकिस्तानी कौम मखलू के वास्ता एक कौमा नहीं वास्ता चाहे बलोचे सिंधी है पंजाबी है सराई की है माँ समझी ये बिल्कुल फेक इलेक्शन है बेईमानी इलेक्शन है ये बिल्कुल सिलेक्टेड है तमाम मखलूक अफगानिस्तान शहरियान के सीट दातगन थे ये बिल्कुल माई सूरत तक कबूल न करी मैं कह धरना फ्रॉम डे वन शुरू इन मर्चिया मैं नियाड़ी और मैं कैस मर्द मैं नौजवान मैं वर्कर रोडानी सरान और माँ मर्ची माँ कानूनी माँ जानी की मुल्क का कानून बदबख्त नहीं और कानून अर्थ से वास्ता मुख्तलिफ है मैं गप्पा जानी लेकिन पदाहम अमा कानून किताब है वाला माँ होती हर शशे सीतानी पंचे सीतानी वास्ता माँ अपील दायर कर सकूँ जी हम मैं पेशी बूता बाईस अहम मैं पेशी पता 26 अहम मैं पेशी माँ मैं गिन सकूँ कि शायद अगर ये अदालत हम में ईमानदारी बिखरन तुम्हारा किस तुम्हारा चीता दयन थे वेल एंड गुड अदरवाइज माँ चार जमात की इत्यादि और बाकायदा माँ इत्यादा थी माँ बनी और शायद ऐसा माँ इत्यादा पाकिस्तान सत्ता बनी और पाकिस्तान सत्ता ये इलेक्शन इत्यादा बनी और माँ दुनिया बिल्कुल ही बावर कराना कि पाकिस्तान है फेक इलेक्शन बूता और ये इलेक्शन के वर्ल्ड बैंक के जर्रा नहीं गिरेगा वास्ता IMF आज एग्रीमेंट करना गुजर गिरेगा वास्ता मखलूक अवती आरक अवती मर्जी है सरा ए दाके कारोबार कनक ए वा नबी मगुड़ा जाहिर इन के अदारा आनम गुशी के भी शुमा दुनिया है तो का ईमानदारी इलेक्शन अचार के वॉच कनक
पूरा मैं इलेक्शन आ दिखिन दी कि दो नंबर इलेक्शन टू इलेक्शन जी वाजब जब भी गिचिन कार्य धांधली गप करनी इलेक्शन से था गोड़ा अंश शोमा भी थी गप 2018 छि बिंदात को कनी कोता आर कसी आमी गुशी के 2018 भी अमी पेम बुता गोड़ा जो मुक्तदर कुवत आ इदारे आयना दिस के 2018 जो एक्सपेरिमेंट बुता आईए वो बाज तबाही पहलाई रोच मरूची तक मगेंदगे आईए आसर जैसे में मईशत सर अभी कब तक ए बरा शुमन असम जी गुड़ा रिपीट मको ते बीबी बिचार असल आई मुल्क के बदबختی ऐसी कि एमो खुदे मुक्तदर कुवत या हमें कि मुल्क के थिंक टैंक सा ई मुल्क के गुमा आवत मुखलिस ने थे ना आवती तिरजोड़ी यानी पुरखन गानी मकसद है और किस दुनिया ए सोका जजीरा हां बहा गिर की शानी मकसद है कि भाई मायदा से अरबानी रुपए कमाए ना और दुनिया ऑस्ट्रेलिया रही जजीरा बहा बाज गिरी या किस मा किस पापा जॉन पिज़्ज़ा एक नवा के रेस्टोरेंट समाकेस गिरी ईशा निवास था ईशा अरबानी रुपये दरकार है ईशा को पाकिस्तान आगे इचकार नहीं थी ईशा को पाकिस्तान इवादत आगे इचकार नहीं थी एदा मखलूक की कौम मखलूक निश्ता ईशा को ईशा कार नहीं थी ईशा नहीं वसारा अरब खरब पति करेंगे मसले नून हमें कि अर्थित चीज वहां बुतगंती ये तेउटोल बलुस्ताना बहाई या किस मतलब मंडी लगी था एक केस मंडी लगी था कि अरकस की बस 50 करोड़ दन थी नेक्स्ट कहते कुछ 5 करोड़ दही कुछ तई बू नेक्स्ट कहते कुछ 1 अरब दही कुछ भाई आ तो फारिग तई बू तो मतलब एक ये मुख्तदर कुवतानी पाकिस्तान पाकिस्तानी मखलूक एदारी अवाम ये शहीद मकसद नजारी आवती तिरजोड़ी पुरकनक अरबपति बैग और रिटायरमेंट आरंभ के पाकिस्तान अबे लाओ के दुनिया इतो का वती वास मजाने कारोबार शुरू के कर अस प्रॉब्लम है अच्छा ई गप के शो करेंगे मंडी जनक भी मंडी अमा के हिस्सा बा जो पैसा दिया शो ना समझी पता आवाम अच्छी आ पैसे अच डबल और ट्रिपल गुना या कशी बीवी विचार मना के नेशनल पार्टी सेनेटर आजाद शशताले वास्ता मन तरह ईमानदारी या खुशी मन एक चाय प्याला हम आराम की नेशनल पार्टी के चाय प्याला हम अमा के 2000 रुपये फीस इलेक्शन कमीशन इफार में बूता हम पार्टी एक संगति दा मन अमा 2500 रुपये के बूता में फार में की बस हम ईमानदारी मन नजा तो संगति वो जी बाजदात मन मर्ची हम नजानी कह दाता जी यकी मन हो तुम की एक चाय सियाचा ये प्याला आज बगैर सैनिटा 6 साल गुआजी तुम बरुच कौमे वास्ता बरुच सरजमीने वास्ता बरुच साइन वसाइले वास्ता हर चीज की मैं जहोद बू आशुए देमाए हर मर्द में हर जानकार देमाए बाकी रंदा के एक मर्द नूर हम इस्लामाबाद रेओ के और 90 करोड़ दाता बलूचिस्तान सैनेट अच्छुता और बलूचिस्तान सैनेट मेंबर है नूर आये 6 साल बह गए आया एक आवाज है तो मना गोश दारें कि बलूचिस्तान एक गप्पी ये 6 साल था बूता बिल्कुल मत सियासत में करनी नहीं मनी गुस्से के मकसद ये कि एक ही 90 करोड़ दाता है ये 90 करोड़ मतलब 5000 अरब जात की भाई मारा के 5 गुना मजीद 90 अच कर सकी वापस सीधा हमें सीधे फायदे जरूर रखिए अगर नून के मलिक शाह 2 अरब रुपये जाता कौमी संपत्ति आशुता आनून ये 2 अरब 10 अरब जोड़ कर के पुश्ता कपी ये 2 अरब 5 अरब जोड़ कर के पुश्ता कपी ये सवाल पैदा न भी कि भाई के चक छे बह गए कि या ग्वादर अच्छी बह गए या पस्तिए और मारे के आले आइए ऐशा को बिल्कुल कार नहीं एशिया कह रस्ते कि मारा हमारा 2 अरब मारा 5 अरब छू जोड़ कर जीर आए तमाम सर कोशिश तमाम सर मामला हमें हमें वही अरब आने की साब अलग एशिया के मकसद कुछ तुम जान के मुल्क का किस माचुने स्याही कुआ किस से कनेगा हो शायद ये वापस आए इसे दरा एक मुश्किल एक गप्पा माइशा बात समझाए तो लेकिन ये मुल्क के खैर पाकर ने की समझ बस बस मिनट वार वाजा कबीर शहीद साहब नेशनल पार्टी राशुन कपुतरान शुमेश कन गए थे आइए गोशगामी बुता की बदतरीन आसिर जो हस्ती देमा आरग बुतगा और जो गिचिन कारी है और तहा मुबैना वाले जो धांधली बुतगा आइए खिलाफ आए या वती कानूनी राह बाबता भी हम सरपदीदात क्या कानूनी राह भी गुशी गई देमा बरगे और देमते रही तहरीक हम देमा बर गया इधर जूरी गुंडी ब्रेक ही ब्रेकअप पद इतिहादी गला नहीं देगी राशून हम मारा ज्वाइन करना मैं गुमा भी वशित कने गुलेराज एक रंदी पदा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 है मारा ज्वाइन कुता हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी है वाइस चेयरमैन मिर्जा हुसैन साहब ये वशित कने में प्रोग्राम अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब
कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मिर्ज़ा साहब, ये जो तहरीक आप लोगों के दूसरे मरहले में शामिल हो गई है, पहला जो मरहला था वो आप लोगों का किस हद तक कामयाब हुआ, इस हवाले से ज़रा बता दें। जी, दूसरे मरहले में बिल्कुल शामिल हो गए। आज कल सुबह, कल 21 तारीख को प्रेस क्लब कुर्चा के सामने चार जमाती इत्तेहाद का इजलास है। अच्छा, अल्लाह का भला करे 22 तारीख को पिशीन में जलसायाम होगा, इसी तरह 25 तारीख को मस्तूंग में जलसायाम होगा, फिर 27 तारीख को हजारा चौन में एक बड़ा जलसा होगा जिसे हमारे कायदीन खिताब करेंगे। तो ये सिलसिला जारी है और जारी रहेगा उस वक्त तक जब हमारे हकीकी नुमाइंदों को उसके हकूक नहीं दिए जाएंगे, फॉर्म 45 के तहत उसको जो इन्हें कामयाब करार नहीं देंगे, उस वक्त तक हमारा ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जी मिर्ज़ा साहब, तो क्या आप लोगों के जो मुतालबा है वो सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो आप लोगों के नुमाइंदे हैं उनको कामयाब किया जाए, या उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए जो कि इस नतीजे को तब्दील करने में मुलव्वस हैं? डिमांड्स हैं वो क्या क्या हैं? यकीनन बात इतनी सी तो नहीं है, इतनी छोटी बात नहीं है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की साख को जो है ना आलमी दुनिया में खराब किया गया है। अब हमारे इक्तिसाद का मामला ले ले, रोजगार का मसला ले ले, जितने भी मसाइल हैं हमारे वो पाकिस्तान से बाहर जितने भी में आलम है वहाँ पाकिस्तान की साख को खराब किया गया है। इन लोगों को वाकई सजा दी जाए। एक न सिर्फ ये कि हमारी सीटों को बहाल किया जाए, बल्कि आइंदा के लिए जमहूर और जमहूरियत की बहाली के लिए जितने भी इकदाम हो सके उसको करना चाहिए इनको। जी साहब, जो रावलपिंडी के जो कमिश्नर थे उनका एक एतराफी बयान आया था, उसको आप कैसे देखते हैं? और उन्होंने जो जो नाम लिए हैं, तो आप लोग अगर जाते हैं इलेक्शन कमीशन में आप रुजू करते हैं कि हमारे जो है धांधली हुई है, नतीजे तब्दील हुए हैं, इस पर गौर किया जाए, तो अगर हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उन्होंने उन्हीं को ही कटेरे में लाकर खड़ा कर दिया है जिनसे आप लोग इंसाफ मांग रहे हैं। हमें इंसाफ कोई भी दे दे, हमें उससे ये मामला नहीं है कि भला हमें इंसाफ दे दे। जी असूल तो होना ये चाहिए कि पाकिस्तान की जितनी भी अदालतें हैं, हमारी अदालत आलिया है, ये इंसाफ देने में अपना काम तो कर रही है, लेकिन खूबसूरत अंदाज में करे तो बेहतर रहेगा। अवाम की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए, अवाम के हक रायदेही को मद्देनजर रखते हुए जो फैसला करेगा वो पाकिस्तान की बका और सालिमियत की बात होगी। यहाँ पे सूरत हाल यह है कि हम गुज़िश्ता 20 सालों से मुसलसल टारगेट होते आ रहे हैं, बहुत से मुसीबत हमने झेले हैं। एक हमारे असम्बली में एक नुमाइंदा की हैसियत से हमारे नुमाइंदे जो जाते हैं असम्बलियों की असम्बली में हमारे आवाज बनते हैं, लेकिन मुसीबत यही है कि जमहूरियत को पामाल करने पर इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, जमहूरियत को इन्होंने ड्रेल कर दिया है। अल्लाह का भला करे इनको न सिर्फ करार वाकई सजा दी जाए, बल्कि इनको मुतनबी किया जाए कि पाकिस्तान की सालिमियत से कोई किलवाड़ करने की कोशिश न करे आइंदा के लिए। जी मिर्ज़ा साहब, हम देखते हैं कि यहाँ एक तरफ तो आप लोगों की तहरीक चल रही है जो कि कहते हैं कि हम हकीकी नुमाइंदे हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेशनल पार्टी जो सूबाई असेंबली है उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने उम्मीदवार अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हैं, और लोग शमूलियत भी इख्तियार कर रहे हैं और असेंबली को बनाने में या उसको खड़ा करने में जो है ये सारे लगे हुए हैं। तो आप लोगों की तहरीक एक तरफ और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना काम करती जा रही है और वो आजाद उम्मीदवारों को घेरने में लगी हुई है। यही तो बात है ना, समझने वाली बात यही है कि हकीकी नुमाइंदों को जब तक बलूचिस्तान या पाकिस्तान की सतह पर अगर गवर्नमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा तो सूरत हाल यही रहेगी। आप बलूचिस्तान का सूरत हाल देखे, किस डगर पे जा रहे हैं बलूचिस्तान की जो है नौजवान, किस डगर पे जा रहे हैं। इन सारी सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए हमारे जितने भी साहिब मनसब लोग हैं जो भी ये कर रहे हैं इनको ओट के नाखून लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह न किया गया इसी तरह बलूचिस्तान से अल्लाह का भला करे पीपल्स पार्टी या दूसरा तीसरा जो भी है ये हमारे इन पैराशूट नुमाइंदों को खरीदारी में लगे रहेंगे तो न बलूचिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बलूचिस्तान के साथ साथ
हमारे पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हमें मेरे नजर में, मैं समझता हूँ जब तक हकीकी नुमाइंदों को इनका हक नहीं दिया जाएगा तो सूरत हाल इसी तरह रहेगा और ना हम बलूचिस्तान को सुधार सकेंगे ना पाकिस्तान को सुधार सकेंगे। हमारे नौजवान अब किस जगह पे जा रहे हैं ये आपको पता है। हमें कोशिश करनी ये चाहिए कि जितने भी हमारे नौजवान तबका है, यंग तबका है, इनको इस डगर पे लाए कि बलूचिस्तान या पाकिस्तान को सुधारने में अपना किरदार अदा करें। इनको किरदार के को हम अप्रिशिएट करना चाहिए। मिर्जा साहब, लेकिन हम देखते हैं कि वजीर इत्तला जो है वो कहते हैं कि आवाम ने वोटों के जरिए जो खुद को हकीकी नुमाइंदे कहते हैं उनको मुस्तरद कर दिया है, बल्कि जो बड़ी पार्टियां हैं जैसे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, इन पर अपना भरोसा जो है उन्होंने वोट के जरिए दिखाया है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? इनकी अपनी मर्जी जो कहें उनकी अपनी मर्जी, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो पार्टन फॉर्म 45 है उस पर अगर आप उसको दोबारा गिनती करें, आपको फॉर्म जिनके पास है आप उससे पता लग जाएगा कि मतलब कौन वोटों से जीता है कौन आया। अब मैं 42 की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो बरक मंदुखेल साहब है ये पूरे एरिया में पूरे हल्के में इनकी ज्यादा से ज्यादा 500 वोट से ज्यादा नहीं, जबकि इसके मुकाबले हमारा चेयरमैन हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी का चेयरमैन खालिद हजारा 9000 समथिंग वोट है। ये कैसे हो सकता है? फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जब इशू किया है वो हर उम्मीदवार के पास है, इसको आप टेली करें 47 से खुद बखुद पता चल जाएगा कि वोटों ने किसको इंतखाब किया है। जी मिर्जा साहब, अब आप कैसे देखते हैं कि किस हद तक आप लोगों की तहरीक अमली तौर पर जो है कामयाब हुई है, क्योंकि अगर रिजल्ट बदलने का देखें तो आप समझते हैं कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा या अदालतों से आप लोगों को इतनी जल्दी जो है आप लोग के हक में फैसला आए? देखिए मैडम, जब तक ये तो हुआ है इन्होंने पाकिस्तान कि अदलिया का और पाकिस्तान की जितने भी हमारे इदारे हैं, सबसे पहले मैं तो यही समझता हूँ कि हर इदारे को अपनी जगह और अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करना चाहिए तो इंशाल्लाह सब कुछ हो सकता है। अगर हमारे इदारे चाहे अदलिया हो चाहे जो भी हो, जो भी हमारे इदारे वो अपने दायरे इख्तियार से बाहर रहेगा तो मुश्किल होगा हमारे लिए भी, आवाम के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी ये मुश्किल होगा। तो हमारी गुजारिश यही है हमारे तमाम अदलिया इदारों से वो अपने दायरे में रहकर काम करें, हमें पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, जमहूरियत और जमहूर को हमने आगे लेकर चलना है। अगर हम सब इस पर पाबंद रहे तो हमारे मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं रहेगा। अगर इसी तरह से ख्याल होगा तो जिनका हक है उसको हक से महरूम किया जाएगा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को हम पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा हुसैन साहब, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के वाइस चेयरमैन मेगुमा गपोतरान कनेगुप्ता गुशी के इदारा जो पाकिस्तान अस्तं अरकसीवती हद्दोबंद तुक अगर कार वेकंती गुड़ पाकिस्तान दी मरोते अगर ना गुड़ पाकिस्तान में बेचारे के कुजा मरुचि उश्ता था और जो गिचिन कारी है आई ए धानली और आसरानी बदल कन के इलाफा में चारे के चार जमाती इतिहाद ईशानी एहतजाज दीमे मरहल सरबुता और बंदगी रोच जैसे कोटिया मसनी कच्चिया मुच्छी बरजम तारक भी थी और जो कायदी ना आग अब पुत्रान हम करन थी इधर मजूरी कोंडी ब्रेक की ब्रेकअप। वशित करें गुलेरा शेख रंदी पदम में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 जमात इस्लामी राशून अब्दुल हक हाशमी मौलाना साहब हमारा ज्वाइन को था। आइए वशित करें। अस्सलाम वालेकुम वाजा। वालेकुम अस्सलाम वाजा। मैं गिंदी के जो मुबीना वाली दांदली और नतायजानी तब्दील इलाफे एक मजनी तहरीकी बलोचिस्तान चले गए, बलोचिस्तान और पूरे पाकिस्तान हम चले गए, लेकिन अनुगे जो मैं बलोचिस्तान सिनेरियो बेचारी एक निम गई तहरीक चले गई और दूमी निम का पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो इससे आज सूबाई असम्बली तो का जैसे सरकार जुड़ करने की तैयारी करने गई, शोमा चीज आ रही तहरीक चिच्चो हद तक कामयाब भी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तो का शक नहीं कि इंतखाबात 2024 से था आ इंजीनियरिंग आ मैनेजमेंट के पेशरा हो इंतखाबात नहीं था भुट्टा ये तकरीबन हम बिल्कुल वाजे और नुमाया तौर मर्जमानी देमा आपका और आकस के इसी मुतलिका नजान तक आओ जान के लाते कुत अंचे में हंसता के आवती मर्जी है नतीजा ना जोड़कना और आके कटता के मर्दमा आए ना हराए ना और आके हारत के मर्दमा आए ना ईशा ना मतलब फतेह दिया और ए इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ए रंदी इसी खिलाफ बाज मदन इसके सरा यवार देमा आप और इसी नतीजा बलोचिस्तान था पार्टी के आ महसूस करा कि गुमा जुलम दिता ना इंसाफी दिता आ एहतजाज सरा निश्तगा और बाकी मुल्क तो का एहतजाज सरा मर्दुम निश्तगा मुख्तलिफ पार्टी जी। बाकी एक गप समय रास्ते के कुजा पार्टी तकरीबन आया बाजे सीट कटता हुआ हुकूमत बनाने की पोजीशन कहाँ आया आया ना एक गम ने जी आया ना एक गम ने आवती हमा हुकूमत शादी एक गम ने था मुबतला आवती हमा प्लानिंग कनगा जी। लेकिन मैं गिनती के माइनस माइनस कनक बुतगा दरो कौम परस पार्टी जो एस थी बी एन पी बीबी या नेशनल पार्टी बीबी हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी बीबी गुड़ेशानी मसाइल शुमा समझी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बेहतर तरीके इर कंती असेंबलिया बहरहाल ये एक मंसूबा पेशरा से बनाए ना बुता बिल्कुल वाजह तौर नजर आएगा के मुल्क का वफाकी सतह सरा कुजा पार्टी हुकूमत बनाई नहीं और सूबाई सतह सरा कुजा कुजा पार्टी हुकूमत बनाई नहीं तो ये बारह निशा निवासा इम्तहान है कि ये नोके आवो के औरत के मर्दमानी बुनियाद अगर ये हुकूमत का बनाए ना तो चिक्का इंसाफ कुछ करा आ पार्टियां नहीं घूमा आए नहीं वर्करा नहीं घूमा कि आ एदा एक बेखबुन इदारा आए नहीं एक हकीकी एदा मुश्किल हंसता तो ये बारह निशा इम्तहान है जी। वाजे जमात इस्लामी चार चार जमाती इत्तेहाद पलमर्जिया का ये हिमायत का मा ये हिमायत करे मा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो का हो आए नहीं घूमा कुछ जुलम करे घूमता आई मा मुजम्मत कुटा और मा आए नहीं हमरावती कोशिशारा शामिल कुटा मा वक्त धांधलिया विक्टम है इस्लामाबाद इतहा में धरना एहतजाज चला जाए हमें बड़ा कराची इतहा में धरना एहतजाज चला जाए तो मावत मुतासिर है चे दांगलिया जी। वाजह जो रावलपिंडी कमिश्नर है निमगच ये कैतराफी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कनक बुता आइए शुमा चू चार और आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस से छे पाँच शुमा न समझे कि जो चार जमाती इत्तेहाद जो दाव शुरू करने गए या जमात इस्लामी जो दाव शुरू करने गए कि धांधली बुता इसी सरा जो मुक्तदर इदारा हाँ आ नोटिस वजूरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुमा चू चार बहरहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महसूस करें कि ये अगर मबूत है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अंगा इक्का मुसद्दिका इत्तिलात और मुसद्दिका दास्तान और किस्सा मौजूद ना क्या ये चीज जरा साबित करने के वास्ता काफी है शाफिया के लाते कुवत हंचे ने हंसता है मुल्क था कि नतीजा ना तब्दील करना तो वती मर्जी है मुताबिक तब्दील करना तो बहरहाल ये एक ताइद वो तस्दीक वो एक सरकारी ऑफिसर ने मगा से एक बयान आप नुआ बयान मुतलिका वड़बड़े तजिया महलूक कना गए के आरा मशकूक बनाने की कोशिश कना गए लेकिन जाहिर है एक फायर हूँ ना फायर वती वती निशाना के हस्ते लगता निशाने सरा जी। वाजे शुमा चिची मजने नुकसान ही गिंदे कि अगर ये कॉम्परस पार्टी जो ऐसा ये अगर माइनस वे बाय असेंबली अच्छी चिची मजने खास तौर पर आवाम का नुकसान है मन ख्याल है कि कॉम्परस पार्टियां नहीं हो किरदार माजिए तहा बारा चो जवाने किरदार है नबूता आवाम हक का निशा और रुक तो वो ग्रुप आने के माँ हकीकी नुमाइंदे ना हकीकी नुमाइंदा ठीक है ताकि आ कट्टा का ता महलू का इनसरा एतमाद करेगा बुता तो महलू ईशा ये गुस्सा के हक दाश था कि माँ हकीकी नुमाइंदा है लेकिन अगर ईशा नहीं कारकर्दगी अशुभ बिचारे तो ईशा हिच किरदार अवाम फलाह हो बहबूद हो अवाम खुशहाली वास्ता ना करता या ग्रुप तो रो पे ग्रुप पर तो आया तरक्याती फंड आनो वार्ता महलूक का हमा बड़े गुरबत तो पसमानदगी और तकलीफ तहा गला दाता वती कारोबार ईशा नहीं बाध्यता का या वती सरमाया ईशा नहीं बाध्यता यानी ये मन बिल्कुल यानी वजाहत घुमाए गुशगाए कि अगर कौम परस्तानी रवैया एहसान बबूते नेकिए बबूते अवाम घुमा इखलास व वफादारी बबूते
तो आयन हुकूमत ठीक है धांधली जुदा चीजें आई उमा मजम्मत करे लेकिन अवाम आयन सरा इक्का मजन एतमाद कुर्तगा के फदा कस्सा इंजीनियरिंग का मौका ना रस्ता है। बाज मिनतवार गुलिराज मेगुम गपुतरान करने गए अब्दुल हक हाशमी साहब आयशो में गपुतरान रेशकुते आयुषी के इच्छो कोई खास जो ये कॉम्प्रेस पार्टी हाँ कि जो चार जमाती इतिहाद है ऐशानी कोई खास जिससे आउट आउटकम पेशरा भी नियत का या इच्छो कोई ईशानी खिदमत नया कि हम इच्छो डाव शुरू करने गए अलबत् कि आ धांधली जो गुता और जो आसर बदल करने गुतगा आ ये सरा बिल्कुल पल्ला मर्जी कनते जमात इस्लाम और जमात इस्लामी वती हम बाजी एहतजाज सरजमी मुल्क का चला गया। गुलराज में प्रोग्राम में टाइम नुबूता हलास नुमाना होती होस्ट मुमल जैनब अबीदी इजाजत अल्लाह में आ रही।